केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा समाज सुधारक अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण 2022 पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम के बाद रविवार को लू से 11 लोगों की मौत हो गई। 4 दर्जन से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोढ़े ने कहा कि यह एक सरकारी समारोह था और इसलिए सभी प्रतिभागियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य था। लोढ़े ने मांग की कि मामले में सरकार पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया जाना चाहिए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए। आज मुंबई के खारघर में महाराष्ट्र भूषण कार्यक्रम का वितरण हमारे सबके आदरणीय सबके चहेते अप्पा साहेब धर्माधिकारी जी को देना था। उनके ही प्यार की वजह से लाखों की संख्या में जनसमुदाय इकट्ठा हुआ था और ये कार्यक्रम सरकार का था, महाराष्ट्र सरकार का था। महाराष्ट्र सरकार ने जानते हुए और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की हिदायत के बावजूद कि अप्रैल में और मई में सबसे ज्यादा कड़ी धूप रहने वाली है, उसके बावजूद ये कार्यक्रम भरी दोपहर में 12-1 बजे लिया गया और नतीजतन कई लोगों की इसमें मृत्यु हो गई, लू लगकर मृत्यु हो गई, कई लोग अस्पताल में भर्ती है। ये सरकार का बेजवाबदार गैर जिम्मेदाराना रवैया है और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। कांग्रेस ये मांग करती है कि महाराष्ट्र सरकार पर 306 के तहत सदोष मनुष्यवध का जो कलम है वो लगना चाहिए।